हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे मार्केटिंग के बारे में, मार्केटिंग की मीनिंग और डेफिनेशन देखने वाले हैं आज के वीडियो में। तो वीडियो पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले देखेंगे मार्केटिंग की मीनिंग। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मार्केटिंग और मार्केटिंग मैनेजमेंट दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। सबसे पहले मार्केटिंग की मीनिंग देख लेते हैं। मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग कवर्स ऑल एक्टिविटी कंसर्न्ड विद आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर। मार्केटिंग के अंदर हर वो चीज़ और या एक्टिविटीज़ आती है जो कि सेटिस्फाई करती है ह्यूमन बिहेवियर को। हर वो चीज़ करना जिससे आपका कस्टमर सेटिस्फाई रहे, वो मार्केटिंग है। मार्केटिंग स्टार्ट होती है जब एक बिजनेस ओनर को आइडिया होता है कि हमें, या आइडिया रहता है या आइडिया बनाते हैं कि हमें इस प्रकार का प्रोडक्ट बनाना है और ये प्रोडक्ट इतने टाइम पे हो जाना चाहिए, ये प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा, इतना प्रॉफिट हमें कमा के देगा। तो वो सारी चीज़ें मार्केटिंग का ही पार्ट है। प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? मार्केटिंग का पार्ट है, जो कि प्रोडक्ट के आइडिया से स्टार्ट होकर कस्टमर को जब तक प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होता, आफ्टर सेल सर्विसेज तक ये सारी चीज़ें चलती रहती है, राइट? आगे है मार्केटिंग इंक्लूड्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मार्केटिंग में प्रोडक्ट डेवलपमेंट आ गया, जैसे मैंने बताया आपको प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करना है, वो चीज़ें आ गई। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स आ गया, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, डिलीवर करना कस्टमर तक। एंड आफ्टर सेल सर्विसेज, दैट मीन्स प्रोडक्ट बेचने के बाद भी कस्टमर को सेटिस्फाई रखना होता है, आफ्टर सेल सर्विसेज। तो ये सारी चीज़ें आती हैं मार्केटिंग में। तो घुमा फिरा के मार्केटिंग मतलब हर वो चीज़ जो एक मार्केटर, मार्केटिंग मतलब बिजनेस का ओनर करता है ताकि उनका गुड्स अच्छे से तैयार हो पाए और अच्छे से तैयार हुआ हुआ गुड्स मार्केट तक पहुंच पाए, कस्टमर तक पहुंच पाए और कस्टमर उसको कंज्यूम करके या यूज़ करके सेटिस्फाई हो पाए। दैट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ अ मार्केटिंग, राइट? मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है? सिंपल सा, जितना हो सके बच्चा लोगों आप वर्ड से खेलने की कोशिश करा करो या वर्ड से समझने की कोशिश करा करो। मार्केटिंग मैनेजमेंट मतलब मार्केटिंग के पूरे प्रोसेस को मैनेज करना है, जो मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो यहाँ पर क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आइडियाज, जो हमने सोचा था। मार्केटिंग इज लाइक अ प्लानिंग। मार्केटिंग में हमने जो सोचा था उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आइडियाज, एक्शन एंड एफर्ट्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग में हमने जो आइडियाज बनाए थे उनको इम्प्लीमेंट करना, एक्शंस रूप में या एक्शन के रूप में उनको काम पे लेना, या फिर एफर्ट्स ऑफ मार्केटिंग, जो भी हमने मेहनत करी है उसको एक्चुअल वे में इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ जाता है मार्केटिंग मैनेजमेंट में, राइट? इसमें और चीज़ है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग करना एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केटिंग। अगेन वो चीज़ें हैं कि जो मार्केटिंग फेसेस में हमने प्लानिंग करी थी, ऑर्गेनाइजिंग करी थी, स्टाफिंग करी थी, डायरेक्टिंग करी थी, वो सारे प्रोसेस को मैनेज करना ही इज योर मार्केटिंग मैनेजमेंट। हो रहा है क्लियर? नहीं भी हो रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, राइट? तो ये था मीनिंग मार्केटिंग का और मार्केटिंग मैनेजमेंट का। अब डेफिनेशन देखना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और डेफिनेशन की जब बात आती है तो फिलिप कोटलर साहब की बात तो आनी है। मार्केटिंग गुरु कहते हैं फिलिप कोटलर को। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है आपको लिखनी। डेफिनेशन की वही खास बात होती है, हमेशा वर्ड टू वर्ड ऑथर के कोटेड वर्ड्स लिखने पड़ते हैं। जो भी ऑथर ने कहा है वो वर्ड टू वर्ड आपको लिखना पड़ता है। डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द एनालिसिस, एनालाइज करना कि जी करना क्या है। प्लानिंग करना, उस एक्टिविटी जब हमने एनालाइज कर लिया कि करना क्या, उससे रिलेटेड प्लानिंग करना। एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम डिजाइन टू क्रिएट, बिल्ड, मेंटेन म्यूचुअली बेनिफिशियल एक्सचेंज। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तोड़ तोड़ के कर लेते हैं। इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम्स, जो भी हमने प्रोग्राम बनाए हैं, प्रोग्राम मतलब हो गया प्रोडक्ट, जो भी हमने बनाए हैं जो कि हमें लग रहा है कि वो सेटिस्फाई करेंगे कंज्यूमर को, उस प्रोडक्ट को इंप्लीमेंट करना, बनाने लग जाना, प्लस कंट्रोल करना कि भाई ये प्रोडक्ट अच्छा बने। डिजाइन टू क्रिएट, वो बना क्यों है प्रोडक्ट, ताकि बिल्ड, मेंटेन म्यूचुअली बेनिफिशियल एक्सचेंज, ताकि कंपनी और कस्टमर के बीच का रिलेशनशिप अच्छा बन सके। एंड रिलेशनशिप विद द टारगेट मार्केट, टारगेट मार्केट वही हो गया जो कस्टमर्स के लिए आपने प्रोडक्ट बनाया, उनको सेटिस्फाई करना। क्यों? क्योंकि कस्टमर को सेटिस्फाई करना ही आपका ऑर्गेनाइजेशनल का ऑब्जेक्टिव है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, थोड़ा इजी बनाता हूँ डेफिनेशन को। मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग क्या है? एनालाइज करना, प्लान करना, पूरे ध्यान देकर प्रोडक्ट पे फोकस करना और प्रोडक्ट जितना बेहतरीन हो सके वो प्रोडक्ट बनाना, क्योंकि वो प्रोडक्ट ही आपकी इमेज बिल्डअप करेगा मार्केट में। जितना अच्छा आपका प्रोडक्ट बनेगा उतनी अच्छी गुडविल बनेगी, गुडविल अच्छी बन गई तो आपका
और टारगेट मार्केट, दैट मीन्स आपके कस्टमर्स का रिलेशनशिप अच्छा बनेगा और यही तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, राइट। तो ये है फिलिप कोटलर की मार्केटिंग मैनेजमेंट की डेफिनेशन। एक और डेफिनेशन लेते हैं पी एफ पाइल की। सिंपल सी डेफिनेशन है, मार्केटिंग इज दैट फेस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी थ्रू विच ह्यूमन वॉन्ट्स आर सेटिस्फाइड बाय द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये सिंपल सा कहते हैं कि मार्केटिंग मार्केटिंग मैनेजमेंट एक तरह का फेस है, एक तरह का पहलू है, एक्टिविटीज है जो कि ह्यूमन वॉन्ट्स, दैट मीन्स कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए बनाई जाती है या करी जाती है। होता क्या है और कैसे सेटिस्फाई करते हैं हम कस्टमर्स को, गुड्स और सर्विसेज को डिलीवर करके जब भी उनको चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट से पी एफ पाइल का मतलब है कस्टमर को सेटिस्फाई करना, किसके थ्रू, गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू, जब उनको ज़रूरत है, जिस फॉर्म में ज़रूरत है, जिस क्वालिटी में ज़रूरत है, जिस प्राइस में ज़रूरत है, उनको टाइमली कस्टमर्स को वो चीज़ें पहुंचाना। पूरा क्लियर? तो मार्केटिंग मैनेजमेंट की दो डेफिनेशन हो गई, मार्केटिंग और मार्केटिंग मैनेजमेंट की मीनिंग हो गई। आई होप आज का वीडियो यूजफुल रहा होगा आपके लिए। चैनल को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।